हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ प्लान बी फॉर बीएड स्टूडेंट्स। जब बीएड स्टूडेंट्स को पीआरटी से बाहर कर दिया गया तो सबके सब काफ़ी परेशान हो गए थे, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कहते हैं ना कि जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर, मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। आपको सिर्फ पीआरटी से बाहर किया गया है, बट अभी भी आप पीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब पीआरटी के कंपैरिजन, क्योंकि लेवल बढ़ गया है। बट आप, अगर आपने सीटेट का पेपर 2 क्लियर कर रखा है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप 9 to 12 के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी अभी बहुत से रास्ते हैं आपके पास। आपने बीएड कर रखा है, मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है। तो बस ये जो आपकी पसंद है ना, इसी को अपना पैशन बनाना है। आप शुरुआत कर सकती हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से। ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ सीखेंगी अगर आपने किसी भी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लिया तो। और आपने बीएड कर रखा है तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। तो आप अपने करियर की शुरुआत कर सकती हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से लेकर के। ट्रस्ट मी, जब आप शुरुआत करेंगी ना, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक तैयारी करते हैं उसमें और एक रियलिटी में जाकर के बच्चों को फेस करना, बुक को लेकर के बच्चों को पढ़ाना, नई चीज़ें सिखाना, वहाँ जो टीचर्स का माहौल है उसमें खुद को सेट करना, इतना कुछ सीखने को मिलता है। आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होती है, पर्सनालिटी डेवलप होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं एमकॉम कर रही थी शादी से पहले, तो उस टाइम मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था। मैंने सिर्फ 3rd और 4th के बच्चों को ही पढ़ाया था, सिर्फ मैंने 2 महीने पढ़ाए थे, और उन 2 महीने में मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला था। टीचर्स के साथ कैसे डील करना है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, नई नई चीज़ें। तो आप अपने करियर की शुरुआत करिए किसी भी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करके। और एक एडवाइस और दूंगी कि आप पैसे के पीछे मत भागिए कि मुझे तो 20,000 मिलेंगे तभी मैं ज्वाइन करूँगी। अगर आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ाया है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको 10, 11, 9, 10, 11, 12 इतना ही मिलेगा। स्टार्टिंग में आप 1 साल 2 साल मेहनत करिए, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ना, आप स्कूल स्विच कर सकती हैं और उसके साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो आप पहले शुरुआत करिए। घर में बैठ करके परेशान होने से बेटर है कि आप कहीं से शुरुआत करें। तो आप यहाँ से अपने करियर की शुरुआत कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप अपने आसपास के बच्चों को धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं मिल जाती है। जब आप 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे को पढ़ाएंगे तो आसपास के लोग देख करके, आपके पढ़ाने का तरीका, अपने बच्चों में ग्रोथ देख करके, वो भी दूसरे बच्चों को आपके पास भेजेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर सकती हैं। ये भी अच्छा एक तरीका है। आपको मैक्सिमम 1 से 2, 3 घंटे ही देने होते हैं, वो भी अपने घर पे। तो आप अपना घर देख करके, अपने घर के काम संभालने के साथ साथ आप थोड़ी बहुत इनकम भी कर सकती हैं। बैठ के परेशान होने से बेटर है कि आप थोड़ी बहुत इनकम भी कर लें और अपना माइंड भी डाइवर्ट करें, और अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत को वेस्ट ना होने दें। अब मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है और जिन्होंने बीएड कर रखा है। तो एक तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स होता है और वो बीएड कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें पता नहीं होता है। ट्रस्ट में, मुझे भी नहीं पता था, और मैंने भी बीएड कर लिया, और 1 साल पहले अभी टीजीटी का फॉर्म आया था। उस समय मुझे पता चला कि मेरा तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कोशिश करिए कि आप बीएड ना करें, उसकी जगह आप पीजी करके नेट कर सकते हैं, और फिर आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। टीजीटी के लिए कॉमर्स स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। मैंने मार्केटिंग से किया है बीकॉम, और मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने टीजीटी का फॉर्म नहीं डाला अभी जो यूपी में आया हुआ था। और अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन अब तो हमने कर लिया है, अब हम क्या करें? तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसके साथ पीजी कर लीजिए,
या फिर अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप 9 टू 12 के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। वहाँ पे थोड़ा एक आपके पास ऑप्शन होता है कि जैसे मैंने पीजी कर रखा है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 9 टू 12 के लिए एलिजिबल हूँ, तो वहाँ पे अपनी मेहनत करके और कॉमर्स की टीचर बन सकती हूँ मैं। बट कोशिश करिए कि अगर आपने कॉमर्स से पढ़ा है तो आपको बीएड ना करना पड़े। आपके आसपास जो भी जानने वाले हैं, अगर उनको नहीं पता है तो उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बीएड करने के बाद स्कोप बहुत ही कम होते हैं, इसलिए कॉमर्स स्टूडेंट बीएड बिल्कुल ना करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।